नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम मिचिनो कंपनी के ऑर्केस्ट्रा के बारे में बताने वाले हैं या जानकारी देने वाले हैं। बहुत से हमारे किसान भाई धान की फसल में लगने वाला ब्राउन प्लांट हॉपर या भूरा माहू से परेशान है, जो कि धान की फसल में लगने वाला मुख्य कीट है। क्या ऑर्केस्ट्रा कीटनाशक भूरा माहू को नियंत्रित कर सकेगा या नहीं? इसका प्राइस कितना पड़ेगा? एक एकड़ में कितना खर्च बैठेगा? इसका रिजल्ट कितने दिनों तक देखने को मिलेगा? इन सभी बातों का ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो बने रहे इस वीडियो पे और बिना स्किप करे लास्ट तक देखें। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ऑर्केस्ट्रा में जबरदस्त केमिकल कंटेंट पाया जाता है। इसमें बेंजापायरी मोक्सान 10% एससी फॉर्म में मिलता है, जो कि बीपीएक्स द्वारा शक्ति युक्त है। ऑर्केस्ट्रा मुख्य रूप से बीपीएच मतलब ब्राउन प्लांट हॉपर और डब्ल्यूबीपीएच मतलब व्हाइट ब्राउन प्लांट हॉपर पर अत्यधिक प्रभावी है। इसका तगड़ा रिजल्ट है। अब बात करते हैं किसान भाइयों ऑर्केस्ट्रा उपयोग के फायदे। पहला है, इसका उपयोग से मजबूत और स्वस्थ टिलर होता है, जिससे धान की फसल गिरने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरा, समान रूप से भरे हुए बालियां, सभी बालियों का एक समान रूप से विकास। और तीसरा है, अधिक उपज। ऑर्केस्ट्रा से अनुपचारित फसल या खेत की तुलना में ऑर्केस्ट्रा से उपचारित फसल में अधिक उपज मिलता है, साथ ही लाभदायक और मित्र कीटों को हानि नहीं पहुंचाता है। ऑर्केस्ट्रा बीपीएच या भूरा माहू के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी होने के अलावा ऑर्केस्ट्रा पर्यावरण के लिए अनुकूल है और मित्र कीटों और मधुमक्खियों पर कम हानिकारक है। वास्तव में अधिकांश ऑर्केस्ट्रा उपचारित क्षेत्रों में एक विशिष्ट विशेषता के रूप में मकड़ियों और मिरिडबग की बहुत अच्छी आबादी मिल सकती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों ऑर्केस्ट्रा के मोड ऑफ एक्शन मतलब कार्यविधि के बारे में। ऑर्केस्ट्रा बीपीएच या भूरा माहू में एक डाइसोन गतिविधि में परिवर्तन लाता है, जिसकी वजह से भूरा माहू एक्सीडिसीज का तंत्र बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से बीपीएच या भूरा माहू का मृत्यु हो जाता है। ऑर्केस्ट्रा का भूरा माहू पर लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है, मतलब स्प्रे के बाद आपको 18 से 21 दिनों तक भूरा माहू बीपीएच पर नियंत्रण देखने को मिलता है। वहीं ऑर्केस्ट्रा के प्राइस और डोज की बात करें तो इसका डोज है 400 ml प्रति एक एकड़ के दर से। आप 180 लीटर पानी हो चाहे 200 लीटर पानी हो, उसमें घोलकर अपनी फसलों में अच्छी तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। वहीं 400 ml का पैक आपको मार्केट में 700 से 800 के बीच आसानी से मिल जाएगा। कुछ एरिया में इसका प्राइस कम भी हो सकता है, कुछ एरिया में इसका प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है। जो किसान भाई पेक्सोलॉन उपयोग किए हैं उनको पता है पेक्सोलॉन का रेट क्या है। वो करीबन आपको 1100 से 1200 के बीच पड़ेगा और बार बार उसी केमिकल को इस्तेमाल करने से कीटों में भी रेजिडेंस पावर जनरेट होने लगता है। इसलिए किसान भाई कोशिश करें इस बार ज़्यादा नहीं तो एकाध एकड़ में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग करके देखें। और जो किसान भाई ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग कर चुके हैं और रिजल्ट कैसा मिले उसे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑर्केस्ट्रा की ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल एक लाइक शेयर और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से बजा दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से हेल्पफुल कृषि संबंधी कीटनाशक फंगिसाइड की जानकारी समय समय पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।